नमस्कार, जी हिंदुस्तान में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आदर्श। आईपीएल को जिसके लिए जाना जाता है, इस मैच में वही हुआ। दिल्ली और हैदराबाद के बीच में रोमांचकारी मैच फैंस को देखने को मिला। अब जो मुकाबला होगा वो और भी ज्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि एक तरफ होगी हिटमैन की आर्मी मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ होगी किंग खान की आर्मी केकेआर। तो अब देखना होगा ये मुकाबला फैंस को कितना रोमांच देगा। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश हैं, जो आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में कितना रोमांच फैंस को देखने को मिलेगा और ये मुकाबला प्लेऑफ की रेस में कितना ज्यादा अहम साबित होगा मुंबई इंडियंस और केकेआर के लिए। आकाश, क्या लगता है आपको? एक टीम जीत से आई है, एक टीम हार कर। बिल्कुल आदर्श, ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि मुंबई की शुरुआत हार से हुई है और केकेआर की शुरुआत जीत से हुई है और दोनों टीमों ने उम्मीदों के विपरीत प्रदर्शन किया है। मुंबई के लिए मुकाबला बेहद अहम है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे, प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। उनके कोच जयवर्धने ने इस बात की पुष्टि की है कि रोहित शर्मा प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे अगले मैच में, लेकिन हार्दिक पांड्या अभी कुछ मैच मिस करेंगे, तो निश्चित तौर पर मुकाबला बेहद अहम। रोहित शर्मा के आने से टीम को मजबूती मिलेगी और वो अनमोल प्रीत सिंह की जगह पर आ सकते हैं और सलामी बल्लेबाज के रूप में। एक चीज जो फैंस को जानना बहुत जरूरी होगा कि जब केकेआर ने आरसीबी के खिलाफ मैच खेला तो एक तरफा उन्होंने धो दिया आरसीबी को, और मुंबई जो है वो सीएसके से हार करके आई है और एक समय लग रहा था कि मुंबई मैच जीत जाएगी सीएसके के खिलाफ, तो वो जीता हुआ मैच गंवा के आए हैं और केकेआर हारा, मतलब मैच हरा करके आए हैं, वो भी डिविलियर्स और कोहली जैसी टीम को। हौसला बढ़ा होगा केकेआर का, खासकर उनकी गेंदबाजी कमाल की रही। वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, आंद्रे रसेल ने जिस तरीके से बोल्ड मारा डिविलियर्स को, उससे गेंदबाजों का हौसला बढ़ा होगा। मुंबई के बैट्समैन पहले मैच में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन मुंबई की बैटिंग लाइनअप बेहद मजबूत है, उसका फायदा उन्होंने उनकी अपनी कमियों से सीखेंगे और इस मैच में अच्छा करेंगे। बिल्कुल, आपने हौसले की बात की, तो कहा जाता है जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, लेकिन कद तो बहुत ऊंचा है क्योंकि मुंबई के सामने केकेआर हमेशा हारता रहा है, शायद 6 मुकाबले जीता है ना। आंकड़े अगर देखेंगे आप तो सिर्फ 28 मुकाबले अभी तक केकेआर और मुंबई के बीच में हुए, जिसमें 22 बार मुंबई ने मैच जीता है। बिल्कुल, 6 बार सिर्फ केकेआर को जीत, और इतिहास गवाह है। जब सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के कैप्टन हुआ करते थे तब भी मुंबई इंडियंस केकेआर को हराती थी। सौरव गांगुली कप्तान होते थे केकेआर के और मुंबई के कैप्टन होते थे सचिन तेंदुलकर। वो दौर आज भी हिटमैन ने जारी रखा है, और दिनेश कार्तिक की कप्तानी में जब पिछले फेज में यूएई में मुकाबले हुए थे तब भी केकेआर को हार मिली। हाँ, उस तो मैच में भी 152 मुंबई ने बनाए थे और 142 रन पे ही केकेआर ऑल आउट हो गई थी और मुंबई ने मैच जीत लिया था। बिल्कुल, मैच जीत लिया था। तो आपको क्या लगता है आकाश, किस प्लेइंग 11 के साथ मुंबई इंडियंस उतरेगी? प्लेइंग 11 की अगर आप बात करेंगे तो शुभमन गिल केकेआर में और वेंकटेश अय्यर, जैसा कि उन्होंने सलामी बल्लेबाज है और अच्छा प्रदर्शन किया पहले मैच में दोनों ने, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, इयॉन मॉर्गन कप्तान, आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर उनके, और सुनील नारायण बहुत अच्छे गेंदबाज भी हैं और अच्छे हिटर भी हैं, लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया अपनी गेंदबाजी से पिछले मुकाबले में, और प्रसिद्ध कृष्णा उनके तेज गेंदबाज। अच्छा, इसका मतलब है ये सेम प्लेइंग 11 होगी जो आरसीबी के, मुझे नहीं लगता कि जीत के बाद विनिंग कॉम्बिनेशन जो है अपनी बिल्कुल टीम बदलेंगे। बिल्कुल, और वेंकटेश अय्यर जो ओपनर आपने बताया और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, उनका कमाल का वो सिक्स, हाँ, जो रिवर्स स्वीप करके जो छक्का मारा वो कोई नहीं भूल सकता है। बिल्कुल, अब रोहित शर्मा वो शुभमन गिल के साथ कभी राहुल त्रिपाठी ने ओपनिंग की केकेआर के लिए, कभी नीतीश राणा से उन्होंने ओपनिंग कराई। केकेआर अपनी सलामी बल्लेबाजी को लेकर काफी परेशान रहा है, 6 साल उन्होंने किया। गौतम गंभीर भी जब थे तब कभी गंभीर के साथ उथप्पा आते थे, कभी क्रिस लिन आते थे ऑस्ट्रेलिया के, नारायण के साथ नंबर 4 पर आते थे गंभीर, फिर शुभमन गिल के साथ कभी नीतीश राणा आए, कभी जब सूर्यकुमार यादव केकेआर के लिए खेलते थे तब सूर्यकुमार यादव ने भी ओपनिंग की है केकेआर के लिए। वही कह रहा हूँ आदर्श की पिछले 6 साल से केकेआर लगातार परेशान है अपनी सलामी बल्लेबाजी को लेकर के। बिल्कुल, और अभी देखना होगा कि वेंकटेश अय्यर, हालांकि उन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगले मुकाबले में कितना अच्छा खेलते हैं ये बहुत मायने रखेगा केकेआर के आगे के दौर के लिए। बिल्कुल, आप मुंबई इंडियंस के खिलाफ केकेआर की गेंदबाजी को कैसे देखते हैं? केकेआर की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, जैसा कि पिछले मैच में देखने को मिला, उन्होंने शुरुआत वरुण चक्रवर्ती के साथ की। आमतौर पर होता है कि आप फास्ट गेंदबाज के साथ आते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को तरजीह दी गई, उन्हें उनसे कराया गया। मुंबई के खिलाफ गेंदबाजी की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है आदर्श कि पूरे आईपीएल में जितनी भी टीमें खेल रही हैं, अगर सलामी जोड़ी की बात करेंगे आप, तो क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा, इनका जो कॉम्बिनेशन है वैसा सलामी बल्लेबाज किसी टीम के पास नहीं है। तो केकेआर के लिए चुनौती होगी इस सलामी जोड़ी को तोड़ पाने की, अगर केकेआर इसमें सफल होती है
तो निश्चित तौर पर मुंबई इंडियंस पर दबाव होगा। मिडिल ऑर्डर भी उनका बहुत जबरदस्त है, मतलब उनके पास कृणाल पांड्या तक बल्लेबाजी है, करण पोलार्ड, कृणाल पांड्या, उससे पहले सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, लेकिन पिछले मैच में तिवारी। लेकिन आपको देखना होगा पिछले मैच में रोहित शर्मा नहीं थे, हार्दिक पांड्या टीम में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद टीम जो है ताश के पत्ते की तरह बिखरती नजर आई। बिल्कुल, तो उस कमी को मुंबई इंडियंस भी दूर करना चाहेगी। टीम में उनकी कमी है क्योंकि उनके ऊपर के खिलाड़ी एक दो नहीं चलते हैं, तो उनकी टीम ताश के पत्ते की तरह बिखरती नजर आती है। बिल्कुल। अच्छा आकाश, अगर हम इस खेल की बात करें, इस आईपीएल के सीजन की बात करें, तो इसमें जो केकेआर है उसके पास में शुभमन गिल है, नीतीश राणा है, दिनेश कार्तिक और मॉर्गन, इनकी फॉर्म जरूर चिंता में डालेगी क्योंकि बहुत खराब ये लोग खेल रहे हैं इस फेज में पूरा, और खासतौर पर सीजन में। तो आप मिडिल ऑर्डर कैसा देखते हो, क्योंकि आंद्रे रसेल भी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, उनके पास तो यही है कि वो एक मैच अगर खेल गए तो जिता देंगे, अब बाकी उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती। तो मिडिल ऑर्डर कैसा है कि क्या? देखिए मिडिल ऑर्डर के लिए जाहिर सी बात है इयान मॉर्गन या दिनेश कार्तिक, इन दोनों में से किसी एक को तो फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि आप शुभमन गिल पर बहुत ज्यादा मतलब भरोसा कर सकते हैं, सलामी बल्लेबाज है, लेकिन सलामी बल्लेबाज के साथ दिक्कत होती है होना चाहिए आपके पास। आपका मिडिल ऑर्डर किसी भी टीम का अगर मिडिल ऑर्डर कमजोर है तो निश्चित तौर पर आप बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सकते हैं, इसलिए इयान मॉर्गन या दिनेश कार्तिक में से किसी एक खिलाड़ी को तो फॉर्म में आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब आपने केकेआर की तो प्लेइंग 11 बता दी है, जो संभावित प्लेइंग 11 है, अब मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 हमारे फैंस को बता दी। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस में आपको रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी मुकाबले में देखने को मिलेगी, वो दोनों संभावित आपके ओपनर होंगे मुंबई इंडियंस के। उसके बाद ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, किरण पोलार्ड, सौरभ तिवारी, कृणाल पांड्या, एडम मिलने, राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में, भले मुंबई वो मैच नहीं जीत पाई लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी। अच्छा, जिमी निशाम भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, और जिमी निशाम आरसीबी के लिए खेल भी चुके हैं, उनको आप प्लेइंग 11 में क्यों नहीं रख रहे हैं? ट्रेंट बोल्ट की वजह से नहीं रख रहे हैं हम, ट्रेंट बोल्ट अगर हैं, बुमराह हैं, तो मुझे नहीं लगता कि निशम को भी वो लेके आएंगे प्लेइंग 11 में। ओवरसीज में फाउंडेशन भी हैं और इस वजह से पोलार्ड हैं ही टीम में आपके, आप उनको छेड़ नहीं सकते, तो इस वजह से ट्रेंट बोल्ट की बजाय मुझे नहीं लगता कि निशम को रोहित शर्मा रखेंगे टीम में। अच्छा आकाश, एक सवाल, जो आपने प्लेइंग 11 में राहुल चहर को मौका दिया है और वो पिछले मुकाबले में भी थे, और जबकि प्लेइंग 11 में अगर स्पिनर की बात करें मुंबई इंडियंस की, तो उनके पास जयंत यादव भी हैं, उनके पास पीयूष चावला हैं जो अनुभवी स्पिनर हैं, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया, और वो केकेआर के साथ खेले हैं, वो ज्यादातर सीजन आईपीएल के उन्होंने केकेआर के लिए ही खेले, केकेआर के स्टार गेंदबाज रहे हैं पीयूष चावला। लेकिन आपका जो सवाल है कि मैंने राहुल चहर को क्यों मौका दिया अपनी प्लेइंग 11 में बजाय की पीयूष चावला के, इसका जवाब यही है आदर्श, की राहुल चहर का जो फॉर्म है वो देखिए आप, तो मुझे लगता है कि राहुल चहर शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं और मुंबई इंडियंस पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। हाँ, पीयूष चावला भी लेग स्पिनर हैं और राहुल चहर भी लेग स्पिन कर सकते हैं, तो अब देखना होगा मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में मुकाबला कैसा होगा, क्योंकि यह नंबर 4 और नंबर 5 की लड़ाई है, जो टीम जीतेगी वो नंबर 4 पर आ जाएगी। अब ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि मुंबई कोलकाता पर भारी पड़ेगी या कोलकाता मुंबई पर। हमारी इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी हिंदुस्तान।